हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खान इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है पावर बोर्ड। देखिए, ये पावर स्विच और पावर सर्किट का बोर्ड है। इसमें अगर हम एमसीबी का कनेक्शन करना चाहें तो किस प्रकार से करें। जैसे ये बोर्ड मान लीजिए आप अपने घर में लगा रहे हैं दोस्तों, तो अगर जैसे हीटर या गीजर वगैरह अगर आपको चलाना हुआ, तो अगर ऐसे डायरेक्ट आप चलाएंगे और अगर शॉर्ट सर्किट कहीं पर हुआ तो आपकी जो वायरिंग है उसको नुकसान पहुंच सकता है और वायरिंग जो है जल सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका कनेक्शन दिखाने से पहले मैं आप लोगों से चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये पावर स्विच पावर सर्किट का बोर्ड है हमारे पास। ये ऐसे टेम्परेरी बोर्ड, जैसे कहीं पर आपको लगाना हुआ, मान लीजिए किसी भी बोर्ड में आपको एमसीबी का कनेक्शन देना हुआ, तो किस प्रकार से हम इस बोर्ड के साथ एमसीबी का कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसमें एक वायर पहले से लगा रखे हैं, अब हम इसमें दो वायर और लगाएंगे। देखिए दोस्तों, एक ब्लू कलर का वायर है, इसे पहले हम इसमें कनेक्ट कर लेंगे फेस के लिए। उसके बाद एक वायर और कनेक्ट करेंगे हम, देख सकते हैं आप, ये हमारा हो जाएगा ब्लैक कलर का न्यूट्रल। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैंने इसे कनेक्ट कर लिया है। अब इसको हम इस एमसीबी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसकी पैकिंग कर दी है, मतलब फिट कर दिया पूरी तरीके से। अब हमारे पास सिंगल पोल की एमसीबी केवल है, डबल पोल की तो है नहीं, तो मैं एमसीबी एसपीएन को लगा रहा हूँ दोस्तों। तो इसको लगाने से फायदा ये रहेगा दोस्तों, कहीं जैसे मान लीजिए आपके घर में कहीं पर शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे मान लीजिए गीजर हीटर मिक्सर या कोई भी उपकरण आप चला रहे हैं, अगर वो उपकरण आपका शॉर्ट हो जाता है तो आपकी जो एमसीबी रहेगी दोस्तों वो ट्रिप हो जाएगी, तुरंत वो ट्रिप हो जाएगी। आपका जो वायरिंग या कोई भी उपकरण रहेगा वो सेफ हो जाएगा दोस्तों, सब बच जाएगा, कुछ जलेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसका कनेक्शन करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने दो वायर निकाल दिए हैं। अब इन दोनों वायरों को दोस्तों आप देख सकते हैं हम इसमें कनेक्ट करेंगे। ये जो हमारा देख सकते हैं आप एसपीएन एमसीबी है दोस्तों, एकदम ठीक ठीक कनेक्शन आपको करना है तभी ये अच्छे से काम करेगा। देखिए, राइट साइड हमारा न्यूट्रल है, ये सिंगल पोल एमसीबी होगी, ये न्यूट्रल हो गया, एन मतलब न्यूट्रल। तो हम इसे न्यूट्रल का न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे ऐसे। उसके बाद फेज वाला वायर जो है दोस्तों फेज में कनेक्ट कर देंगे हम। उसके बाद इसमें सप्लाई दे करके आप लोगों को दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसमें एसपीएन एमसीबी लगा दी है, तब इसमें हम सप्लाई देंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, सप्लाई के लिए मैंने दो वायर ले रखे हैं, एक हमारा न्यूट्रल एक हमारा फेस। अब हम ब्लैक वाला ब्लैक में लगा देंगे इस साइड में और रेड वाला फेस वाले टर्मिनल में लगा देंगे। देखिए दोस्तों, और दोस्तों इसका आपको बिल्कुल सही कनेक्शन करना है तभी ये अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि ये एसपीएन एमसीबी है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है, फेस न्यूट्रल और ये जो हमारा पावर बोर्ड है। और पावर बोर्ड के साथ दोस्तों अक्सर आप कहीं पर भी लगाएं तो एमसीबी का कनेक्शन जरूर करें ताकि आपके घर के उपकरण की सेफ्टी रहे। तो दोस्तों, आप अपने घर के लोड के हिसाब से ये एसपीएन एमसीबी लगा सकते हैं, आपके घर का लोड जैसा हो। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें हम एक होल्डर और बल्ब लगा करके आप लोग को इसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, इसे हम ऐसे लगाएंगे और ये बल्ब अभी चालू करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इसमें सप्लाई दे दी है, अभी हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। दोस्तों देखिए, जैसे हमने एमसीबी एसपीएन ऑन किया, तुरंत ही हमारा बल्ब ग्लो करने लगा। अब इस स्विच से हम इसे ऑन ऑफ करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप हीटर या इंडक्शन या गीजर या कोई भी उपकरण आप चला रहे हैं, तो पावर बोर्ड अगर लगाए रहते हैं दोस्तों, आप इस प्लग को निकाल करके ऐसे अलग कर सकते हैं, जबकि इसमें अगर लगा दें तो इसमें तार हमेशा आपका जो वायर है लगा रहेगा। अब बोर्ड लगा रहेगा तो उसे आप एकदम से अलग कर सकते हैं। इसका फायदा ये रहता है पावर बोर्ड लगाने का, और एमसीबी लगाने का फायदा है कि आपके घर में कोई भी उपकरण में शॉर्ट सर्किट होता है तो आपकी एमसीबी दोस्तों ऐसे ट्रिप हो जाएगी, आपका उपकरण एकदम सेफ बना रहेगा, यानी कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ जलेगा नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, अब इसमें हम 100 वाट का बल्ब लगा करके आप लोगों को दिखाते हैं।
देखिए मैंने 100 वाट का बल्ब लगाया, जैसे ही ऑन किया हमारा बल्ब ग्लो करने लगा। यानी आप पावर बोर्ड में कोई भी उपकरण चला सकते हैं हम, जैसे हीटर, गीजर और इंडक्शन हो गया, मिक्सर हो गया, मतलब जो बड़ा उपकरण होता है घर के, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले वॉशिंग मशीन होगी, सब चला सकते हैं दोस्तों। और अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो आपकी जो MCB है दोस्तों वही ट्रिप हो जाएगी और आपका उपकरण सेफ हो जाएगा, एकदम बचा रहेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये SPN MCB का कनेक्शन जो पावर बोर्ड के साथ मैंने किया था, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और नई नई वीडियो लेकर आऊँ। तो एक बार फिर से नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।